नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं प्यार की बात करूं तो ये जो आजकल की खबरें हैं इनको देख करके ऐसा लगता नहीं है कि प्यार जैसी कोई चीज बची हुई है। ये कहना भी गलत है कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं बची हुई। प्यार में बहुत कुछ बचा हुआ है, इसीलिए दुनिया चल रही है। लेकिन ये जो खबरें हैं ये बहुत दिल को दुखी करती हैं। आप सालों साल किसी के साथ रह रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से रह रहे हैं, और अचानक से आप अपने पार्टनर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे शादी नहीं करना चाहता। आप लिव इन में रह जा रहे हैं उसके साथ, लेकिन जब उसने शादी के लिए मना किया तो आप उसको रास्ते से हटा देंगे। समझ से परे की बात है। गाजियाबाद में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है। प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की हत्या कर दी, लेकिन अब देखिए लाश को ठिकाने लगाने से पहले वो पकड़ी जाती है। और चूंकि नॉर्मली जो पेशेवर क्रिमिनल नहीं होते हैं वो पुलिस को देखकर ही सारी बात बता देते हैं कि क्या सच है, कि क्या इस ब्रीफ केस में रखा हुआ है। वो ब्रीफ केस जो उसने बाजार से खरीदा था, क्यों खरीदा था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और आपको ये भी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने शुरुआती में कहा कि प्यार की परिभाषा आजकल के कुछ लोगों ने किस कदर बिगाड़ के रख दी है। दोस्तों, प्रीति और फिरोज 4 साल से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन एक केमिकल होता है ना, कुछ समय तक प्यार को बहुत मजबूती से बांधे रखता है, लेकिन उसके बाद वो केमिकल ही होता है जो फिर एक पाने की जिद पे अड़ जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात दिखाई दे रही है। 4 साल से लिव इन में रह रहे थे फिरोज और प्रीति, दोनों के बीच हमेशा शादी को लेके झगड़ा होता था। अच्छा, उस दिन भी जबरदस्त झगड़ा हुआ। इसके बाद प्रीति को पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपने प्यार को बिल्कुल खत्म कर दिया। फिरोज की गर्दन उसने रेत दी। हत्या के बाद बॉडी को उसने करीब 24 घंटे तक ही फ्लैट में छिपा के रखा। फिर सवाल ये था कि उस बॉडी को ठिकाने लगाना है, सो उसने एक सूटकेस खरीदा। वो सोच ये रही थी कि सूटकेस को घर ले जाएगी, उसमें वो बॉडी डालेगी अपने प्रेमी की, जिससे उसने 4 साल तक इतना प्रेम किया था, न जाने कैसी कैसी कस्में खाई होंगी उसके साथ। उस प्रेमी, उस फिरोज को वो सूटकेस में डाल करके रेलवे स्टेशन की तरफ लेके जाने की तैयारी में थी। उसने सोचा ये था कि ऐसे ही किसी बोगी में वो उस सूटकेस को रख देंगे। अच्छा, प्रीति रविवार रात करीब 3:30 बजे करीब अपने फ्लैट से नीचे उतरती है और ऑटो वाले को उसने बुला रखा होता है। ऑटो वाला अभी आया नहीं था कि अचानक वहाँ से पुलिस गश्त वाली पुलिस उसे मिल जाती है वहाँ, और प्रीति पुलिस को देखकर ही घबरा जाती है। जब प्रीति का चेहरे का रंग उड़ता है तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है, उन्होंने पूछताछ शुरू की। इस तरीके से समझिए कि बहुत जल्दी पूरा मामला खुल गया। अच्छा, वो जो लड़का फिरोज था, जो प्रीति का प्रेमी था, वो हेयर ड्रेसर था, घर में ही सामान रखता था हेयर कटिंग आदि का।
तो पुलिस की कस्टडी में प्रीति ने खुद ही अपनी सारी कहानी बता दी कि कैसे वो घर में रखे रही बॉडी को मर्डर के बाद, और बाद में उसने जो है लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। प्रीति की शादी दरअसल दीपक यादव से हुई थी। अब देखिए क्या कहें, कभी तो हम औरतों के लिए उनके अधिकारों की बात करते हैं, और कभी देखिए अब प्रीति जैसी महिला की बात कर रहे हैं। प्रीति ने दीपक यादव से शादी की, लेकिन प्रीति ने अपने पति को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, नई नियुक्ति है तो छोड़ देते हैं। करीब 4 साल से वो फिरोज के साथ लिव इन में रह रही थी। फिरोज संभल का रहने वाला है। दोनों गाजियाबाद में टीला मोड़ के इलाके में तुलसी निकेतन के फ्लैट में रहते थे, और जब शादी का उसे लगा कि फिरोज नहीं मान रहा है, तो प्रीति ने ये अपने दिमाग में प्लान कर लिया, और शनिवार यानी कि 6 अगस्त की देर रात को उसने फिरोज के साथ जो अपनी प्लानिंग थी उसको उसने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद 7 तारीख को रविवार दोपहर वो गाजियाबाद के सीलमपुर के इलाके के मार्केट में जाती है, और वहाँ से एक बड़े साइज़ का सूटकेस खरीदती है ताकि बॉडी को डंप किया जा सके कहीं, और फिर वो रात का इंतज़ार करने लगी ताकि स्टेशन पे पहुँच करके वो ये सूटकेस जो है किसी बोगी में रख देगी, और इंतज़ार कर रही थी वो ऑटो का। तभी चेकिंग पे पुलिस निकली हुई थी, आमना सामना हुआ, और देख करके पसीने छूट जाते हैं प्रीति के, इवन उसके हाथ से वो सूटकेस भी छूट जाता है। जब इतनी हड़बड़ाई हुई एक महिला को पुलिस देखते हैं तो उनको शक होता है। पुलिस ने सूटकेस खुलवाया, अंदर का नज़ारा देख करके पुलिस हैरान रह गई। अच्छा, पुलिस की हैरानगी की बात भी जायज़ है, महिला कैसे इतना सब कर सकती है? ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा कांड किया है प्रीति ने, उसमें उसकी एक सहेली भी उसके साथ थी। हालांकि उसका भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन पुलिस उसको भी ढूंढ रही है, और प्रीति ने ही पुलिस को भी ये बताया कि फिरोज बार बार शादी के लिए कह रही थी, और शनिवार की रात को काफ़ी झगड़ा होता है दोनों में, लेकिन फिरोज ने उससे ये कह दिया कि तू बहुत चालू औरत है, तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। इस बात पे प्रीति को गुस्सा आ गया और उसने ये काम कर दिया। दोस्तों, ये कहानी ये कहानी आपसे शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि हम अपने मकसद के लिए किसी को यूज़ ना करें। अगर सच में ही प्रीति उससे शादी करना चाहती थी तो मैं समझती हूँ कि फिर वो ये नहीं करती जो उसने किया, और अगर वो ये नहीं करती, अलग हो जाती, तो शायद उसको जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं जाना पड़ता। और एक और बात, अगर फिरोज ने ये कह दिया कि तुम अगर अपने पति की नहीं हुई तो मेरी कहाँ से हो जाओगी, तो ये फिरोज का भी सोचना सही है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़ के आई हुई है, तो जाहिर सी बात है पुरुष कुछ भी सोच सकता है। हालांकि अपवाद होते हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं हमारे सामने कि पति से नहीं बनी तो उसने दूसरा घर बसाया, लेकिन यहाँ पर शायद से कुछ और भी उनके अंदर जो बातें होंगी उनकी वजह से ये कहानी इस तरीके से हमारे सामने आई है। दोस्तों, ये जो क्राइम की कहानियाँ होती हैं थोड़ी सी दिल को बेचैन करती हैं, फिर भी आप लोग चूंकि चाहते हैं ऐसी कहानियों को सुनना,
तो इसलिए मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या प्रीति ने ये सही किया, और ये ज़रूर बताइएगा कि जो फिरोज़ ने उसको एक तंज कसा कि तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या हो जाओगी। आप इन दोनों पॉइंट्स पे अपनी टिप्पणी मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।